हमने बहुत सारे रूल्स कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, एक और पॉइंट और वो है ड्रेगोस, बैंड रूल हो गया। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए ड्रेगोस रूल। एक्चुअल में इस समय सारी थ्योरी किसका गुणगान करने लगी, वेस्पर थ्योरी का, यानी वीबीटी पार्ट टू टू थ्योरी का। तभी एक साइंटिस्ट आया ड्रेगो, उसने कहा नहीं वीबीटी थ्योरी इफेक्टिव नहीं है। कैसे? उसने कहा देखो सम मॉलिक्यूल्स, पहला पॉइंट ही उसने ये दिखा, सम मॉलिक्यूल लाइक कौन सा है, H2S, ऑक्सीजन के नीचे चले जाओ, ओल्ड स्टाइल से सबको से टी पो, और नाइट्रोजन के नीचे चल जाओ, अमोनिया को छोड़ दो, नाइट्रोजन नाना पाटेकर, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ये तीनों को। तो ये जो आठ मॉलिक्यूल हैं लाइक दिस, इसमें बॉन्ड एंगल जो आ रहा था वो 90 डिग्री आ रहा था, अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री। तो अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बन रहा है। सम मॉलिक्यूल लाइक दिस हैविंग बॉन्ड एंगल इज अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री, इट मींस बॉन्ड जनरेट बाय प्योर एटॉमिक पी ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक पी ऑर्बिटल यानी पी ऑर्बिटल से बन रहा है। दिस इंडिकेट दैट इन अबव कंपाउंड्स, कंपाउंड डज नॉट शो शो हाइब्रिडाइजेशंस। और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ना ड्रेगोस कर पा रहा है ना वेस्पर थ्योरी कर पा रही है। ड्रेगोस ने तो कमी बताई है तो उसे तो कंप्लेन करनी ही नहीं है, वो तो कहता है हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है पक्का? तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। यानी आप किसको देख रहे हो, अमोनिया को देख रहे हो, तो वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो आ रहा है आपके पास 109 डिग्री 28 मिनट से कम, 107 डिग्री। यानी आपको लग रहा है टेट्राहेड्रल जैसा है उसके पास ही, यानी कि कहीं ना कहीं उसका फर्क है, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 107। और नाना पार्टिकल फास्फोरस एच को देख लो आप, तो बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास आ रहा था, 92 डिग्री के आसपास आ रहा है बॉन्ड एंगल। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आप बोल सकते हो 100% एटॉमिक ऑर्बिटल है? नहीं, 100% होते तो कितना होता, 90। क्या आप बोल सकते हो sp3 है, sp3 होते लोन पेयर तो यहाँ पर भी है तो कितना बॉन्ड एंगल होता है, 109 के आसपास। तो ना तो sp3 है ना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए किसके ज़्यादा पास है तो एटॉमिक के पास ज़्यादा है, 109 से नहीं 90 के ज़्यादा पास है, और 90 के ज़्यादा पास है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। समझ में आ रही है बात, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ये हम बोलेंगे। तो अगर कोई ऑप्शन दे आपको कि क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, हम बोलेंगे नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं हो हाइब्रिडाइजेशन का, नहीं है वाला, और चारों ऑप्शन ये sp sp2 sp3 sp3d, तो फिर बाय डिफॉल्ट कौन सा दोगे, sp3। तो हम मोर करेक्ट की तरफ जाएंगे इस जगह, इसमें तो 100% हम sp3 बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही बोलेंगे बिल्कुल, उसमें नो हाइब्रिडाइजेशंस।
नो हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन की एब्सेंस में हम sp3 बोलेंगे। नहीं मालूम है, हमें याद ही रखना पड़ेगा, डेगोस ने ये बताया ना, इसीलिए तो इन 8 कंपाउंड में ध्यान रख। समझ में आ रहा है, हमें हर जगह नहीं देखना है, हमें 8 कंपाउंड में देखना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो कर रहे हैं, बस। कोई दिक्कत नहीं है, बस बिल्कुल, और सिर्फ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के लिए ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हेलोजन आ गए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन शो करना पड़ेगा आपको। इन 8 को छोड़ के बाकी सब जगह हाइब्रिडाइजेशन है, लिख लें इसको।